रेडिकल इक्वेशन आ जाती है, ऐसी इक्वेशन इन विच आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो अंडर द रेडिकल साइन आपके पास आ रहा हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है एक्स प्लस नाइन स्केयर रूट इक्वल्स टू फाइव। नाउ यू सी कि इसमें अंदर आपका एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंडर आ रहा है, सो इट इज अ रेडिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल हमारे पास एक कंसिडर कर लेते हैं, टू माइनस एक्स स्केयर रूट इक्वल्स टू एक्स। नाउ यू सी आपने इसको सोल्व करना है तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, फॉर दैट स्केयर रूट एलिमिनेट करेंगे। स्केयर रूट की एलिमिनेशन के लिए हम लोग बोथ साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, सो दिस विल बिकम एक्स स्केयर कैंसिल होकर आ जाएगा, टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्केयर। सारों को एक साइड पर लेके जाएं तो एक्स स्केयर माइनस एक्स जाके बनेगा प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब इसके फैक्टर्स आप लोग देखें, सो यू विल हैव एक्स स्केयर फैक्टर्स आपके पास बनेंगे माइनस एक्स एंड प्लस का टू एक्स, माइनस टू इक्वल टू जीरो। फ्रॉम फर्स्ट टू आपके पास एक्स कॉमन अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वन। सेकेंड में आप देखें तो टू कॉमन आ रहा है अंदर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस वन आपके पास एक कॉमन फैक्टर है, सो दिस विल बिकम एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। एक बार x माइनस वन जीरो होगा, एक बार x प्लस टू जीरो। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा वन के एक वैल्यू और दूसरी x की आ जाती है माइनस टू। अब ये जो दो रूट्स हम लोगों ने इस इक्वेशन के निकाले हैं, वेदर दीज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इक्वेशन को सोल्व करने के दौरान हम लोगों ने अपने वेरिएबल की पावर को रेज किया, तो जब भी हम लोग पावर रेज करते हैं उस दौरान एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रूट्स शामिल हो जाते हैं, जिनको हम लोग एक्सट्रीनियस रूट का नाम देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये हमें चेक करने पड़ेंगे। कैसे? आपने जो दो वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, उनको बारी बारी अपने क्वेश्चन की इक्वेशन में पुट करें। पहले आपने निकाली है एक्स इज इक्वल टू वन, फोर एक्स इज इक्वल टू वन, आप देखें ये हो जाएगा टू माइनस वन का स्केयर रूट इक्वल्स टू वन, यानी वन स्केयर रूट इक्वल वन, ये आपके पास ट्रू आ जाता है। सो दैट मीन एक्स इज इक्वल टू वन आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका रूट है। दूसरी आपने निकाली एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, जब हम उसके लिए चेक करते हैं फोर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, आपका क्वेश्चन बन जाएगा टू माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टू स्केयर रूट इक्वल एक्स की वैल्यू थी माइनस टू, सो दिस विल बी टू प्लस टू स्केयर रूट इक्वल माइनस टू, यानी फोर का स्केयर रूट इक्वल्स टू माइनस टू, यानी टू इक्वल माइनस टू, जो कि आपके पास ट्रू नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस टू जो आपने रूट निकाली थी, ये आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करती। सो ऐसी रूट्स को हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रीनियस रूट, विच डज नॉट सेटिस्फाई आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। हम लोगों ने इन सारी एक्सरसाइज में ऐसी रूट्स को तलाश करना होगा और उनको एलिमिनेट करना होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर, हमारे पास जो है ना इस तरह के चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस के साथ हम लोग डील करेंगे। देखते हैं, टाइप वन की तरफ मूव करते हैं। द टाइप वन दैट वी हैव विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस स्केयर रूट ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट के। मतलब टाइप वन के अंदर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि हमारे पास जो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास सेम होगा और हम लोग इसको लेट कर लेंगे इनटू अ सेकंड वेरिएबल वाई एंड देन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मूव करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स एंड टेन, दीज फोर क्वेश्चन जो है ये हमारे पास टाइप वन के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सम ऑफ देम जो है सोल्व करते हैं इधर एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। मूव करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास एक्सरसाइज का आ जाता है एक्स स्केयर माइनस एक्स ओवर टू माइनस सेवन इक्वल्स एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ द स्केयर रूट। तो इसके अंदर आप लोग देखें वन इज टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स आप लोगों के पास वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, जबकि लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन में है। तो पहले हम लोग इसकी फ्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं, फॉर दैट व्हाट विल वी डू, हम इनका एलसीएम लेंगे। सो ओवर में आपके पास इनके वन है, योर एलसीएम विल बी टू मल्टीप्लाई दिस, दिस विल बी टू एक्स स्केयर माइनस एक्स एंड माइनस टू सेवन आर फोर्टीन इक्वल एक्स माइनस थ्री स्केयर रूट टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू विल कम एज इट इज। अब ये टू आपका डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ पे आपके पास 2x² - x - 14 वैसे ही इक्वल 2 इधर जाके दोनों से होगा, सो 2x - 2x - 2 = 6 और स्केयर रूट में आपके पास 2x² - 3x + 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये आपके पास 2x है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करें, सो व्हाट विल इट बिकम, ये आपके पास हो जाएगा 2x² - x प्लस का 2x इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके बन जाएगा माइनस का 2x - 14 इक्वल -6 √2x² - 3x + 2 आप लोगों के पास आ जाता है एक्सप्रेशन। नाउ यू सी ये हो जाएगा 2x² - x - 2x इट विल बिकम -3x - 14 इक्वल -6 √2x² - 3x + 2। अब आप लोग देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो आपका वेरिएबल का एक्सप्रेशन है 2x² - 3x इट हैज़ बिकम सेम, तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे इनटू अनदर वेरिएबल 2x² - 3x = y। तो आप लोगों का सवाल बन जाएगा y - 14 इसकी जगह पे y - 14 = -6 √ इस एक्सप्रेशन की जगह पे आ जाएगा y + 2 विल कम एज इट इज। नाउ यू सी ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब अंडर रूट को एलिमिनेट करना है इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, फॉर दैट विल टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y - 14 का स्केयर = -6 √y + 2 का होल स्केयर। यहाँ पे a - b के होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा एंड दैट इज a² + b² - 2ab इक्वल्स -e⁻⁻⁻⁶ का स्केयर होता है 36, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो y + 2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा y² + 14 का स्केयर होता है 196 -2 × 14 = 28y इक्वल 36 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 36y = 36y + 36 × 2 = 72 आप लोगों के पास आ जाता है। नाउ इसको स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं, ये आपके पास है y² - 28y + 36y = की लेफ्ट साइड पे आके -36y हो जाएगा +196 विल कम एज इट इज और +72 जब इक्वल की लेफ्ट पे आएगा -72 = 0। नाउ दिस विल बिकम y² - 28 और -36y ये आप लोगों के पास बन जाएगा -64y 196 - 72 आप लोगों के पास आ जाएगा 6 - 2 = 4 2 = 124 = 0। नाउ यू सी ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द वेरिएबल y। अब हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, यू हैव थ्री मेथड्स दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर वी कैन मूव विद एनी ऑफ दीज। सो लेट्स सी फैक्टराइजेशन पे मूव करते हैं, फर्स्ट टू विल कम एज इट इज -64 के फैक्टर्स आपके पास बनेंगे -2y and -62y। सी फ्रॉम फर्स्ट टू यू हैव y कॉमन यू विल हैव y - 2 एंड फ्रॉम द सेकेंड टू 62 2s are 124 सो आपके पास -62 कॉमन आ जाता है, यहाँ से बचेगा y, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज 62 2s are 124 = 0। नाउ यू सी आपके पास y - 2 फैक्टर जो है दोनों में कॉमन आ रहे हैं, टेक इट कॉमन, सो यू विल हैव y - 2 पहले में से आपके पास बचेगा y - 2nd में से बचेगा 62 = 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ गई है, सो व्हाट विल वी डू, हम लोग दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वेट करेंगे, एक बार y - 2 = 0 और सेकेंडली y - 62 = 0। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट y = 62 विच आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर द इक्वेशन दैट वी डिवेलप्ड इन y। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने जब इसको y में चेंज किया था अपने क्वेश्चन को तो यहाँ पे रेडिकल साइन इन्वॉल्व था जिसको एलिमिनेट करने के लिए हमने बोथ साइड्स का स्क्वायर लिया। तो जब भी हम लोग रेडिकल को एलिमिनेट करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, जब भी पावर ली जाती है तो बेसिकली हम लोग अपने वेरिएबल की पावर को इंक्रीज करते हैं और उस इंक्रीमेंट के दौरान देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपके पास कुछ एक्सट्रीनियस रूट शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं
कि ये जो दो आंसर जो दो रूट्स हम लोगों ने निकाले हैं क्या ये एक्सट्रीनियस हैं या हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बजाय इसके कि मैं सारे पहले निकाल के इन दी एंड दोबारा से चेक करूं, मैं इधर ही चेक करके एक्सट्रीनियस रूट्स को एलिमिनेट कर देता हूं। फॉर दैट व्हाट विल वी डू, हमारा क्वेश्चन बना था वाई में ये नेम इट एज वन, दोनों को बारी बारी इसमें पुट कर लेते हैं, पुट वाई इक्वल्स टू टू इन वन, तो ये आपके पास हो जाएगा y की जगह 2 माइनस 14 इक्वल माइनस 6 स्केयर रूट 2 प्लस 2, 2 माइनस 14 आपके पास आ जाता है माइनस 12 इक्वल माइनस 6 स्केयर रूट 4, दैट इज माइनस 6 स्केयर रूट 4 आ जाता है 2 माइनस 12, सो दैट मीन्स के 2 हमारी एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। लेट्स सी अबाउट 62, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, पुट y इक्वल 62 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा 62 माइनस 14 इक्वल माइनस 6 स्केयर रूट 62 प्लस 2, 62 माइनस 14 आप लोगों के पास आ जाता है 848 इक्वल्स माइनस 6 स्केयर रूट 62 प्लस 4 बिकम्स 64, 48 इक्वल माइनस 6 इनटू 64 का स्केयर रूट 8, सो दिस इज 48 एंड माइनस 48 which two cannot be equal, so that means के y equal 62 जो हमारे पास root आई थी for the y value वो आपके पास extraneous root है, y equal 62 is extraneous, तो हम लोग इसको इधर ही eliminate कर देंगे और y is equals to 2 को हम लोग आगे लेके चलेंगे। now y की value हमारे पास आई थी 2, अब यहाँ पे आप वापस अपने original variable में आ जाएं which was x, replace it back, replace y equals to 2x square minus 3x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x square minus 3x equals to 2, अब ये right पे plus का 2 है, इसको जब आप left पे लेकर आएंगे ये हो जाएगा minus का 2 equal to 0, ये again आपके पास है quadratic equation बन गई है। let's see इसकी simplification, 2x square माइनस 2 इक्वल 0, फैक्टर्स हमारे पास इसके बनेंगे माइनस का 4x एंड प्लस का 1x, फ्रॉम द फर्स्ट टू हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा x माइनस, इधर से आपके पास बच जाएगा 2 बिकॉज x इज टेकन कॉमन ऑलरेडी, फ्रॉम द सेकंड टू आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, सो विल टेक 1 एज कॉमन, सो x माइनस 2 विल कम एज इट इज इक्वल 0, नाउ यू सी x माइनस 2 कॉमन है बोथ वैल्यूज में, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, नाउ एक बार x माइनस 2 0 होगा एंड एक बार 2 एक्स प्लस 1 0, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 2 के द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहाँ से 2x इक्वल माइनस 1 और x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 आवर सेकेंड सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। Now write them in the form of a solutions and these two will be your answer.